गिडा थाने की पुलिस ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने के आरोप में आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मृतक की पत्नी सीतांजलि पत्नी स्वर्गीय रमानंद विश्वकर्मा निवासी मलहीपुर थाना गिडा जनपद गोरखपुर व मृतक के बहन के देवर ब्रिज मोहन विश्वकर्मा उर्फ झिनक पुत्र राजा राम विश्वकर्मा निवासी रामपुर पांडे थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त साड़ी दुपट्टा व अन्य सामग्री को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 7 अप्रैल की सुबह करीब 7 व 8 बजे के बीच में सूचना मिली कि ग्रीम मलहीपुर में गांव के ही रमानंद विश्वकर्मा पुत्र राम प्रीत विश्वकर्मा का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने से मृत्यु होने के संबंध में पुष्टि हुई। मृतक रमानंद विश्वकर्मा के पिता रामप्रीत विश्वकर्मा की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना साक्ष्य संकलन व पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि मृतक की पत्नी सीतांजलि अपने पति रमानंद विश्वकर्मा के साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन दोनों का संबंध अच्छा नहीं था। वो अपने प्रेमी ब्रिजमोहन विश्वकर्मा उर्फ झिनक के साथ रहना चाहती थी। इसी बीच जब पति विदेश से घर आया तो दिनांक 6 व 7 अप्रैल को रात को करीब 1 बजे पत्नी सीतांजलि द्वारा पूरी योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रेमी ब्रिजमोहन विश्वकर्मा उर्फ झिनक तथा उसके दोस्त के अभिषेक चौहान के साथ मिलकर पति रमानंद की दुपट्टा से गला दबाकर हत्या कर दिया तथा रमानंद के शव को गाँव के तालाब में फेंक दिया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गिडा थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्र, वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक आलोक राय, विवेक सिंह, हेड कांस्टेबल धनंजय सिंह, रमा नारायण शुक्ला, यादवेंद्र यादव, महिला कांस्टेबल प्रतिभा, मीनू राय शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र में 7 तारीख की मॉर्निंग को रामानंद विश्वकर्मा जो की एक 24 वर्ष के युवक थे, उनकी डेड बॉडी गाँव के ही बाहर पोखरे के किनारे मिली थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर ऑफिसर्स द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि मृतक एक दिन पहले ही दुबई में, जहां पर वो कारपेंटर का काम करता था, वहां से वापस आया था। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कि मृत्यु का कारण गला दबाने से अंकित किया गया था। इस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण बहुत ही गहनता से पूरी टीम ने किया, जिसमें कि घटनास्थल और जो उसका घर है मृतक का, वहां से कुछ अहम सुराग हाथ में लगे। इसके अलावा आसपास से पूछताछ, घर वालों की इंट्रोगेशन से बात समझ में आई कि जो मृतक है उसकी पत्नी सीतांजलि, उसका अवैध संबंध अपने ही परिवार के एक व्यक्ति ब्रिजमोहन विश्वकर्मा, जो कि मृतक की बहन का देवर है, उसके साथ काफ़ी समय से चल रहा है। क्योंकि मृतक दुबई से वापस आ गया था तो इनको ये बात लग रही थी कि इनका संबंध अब आगे नहीं चल पाएगा, इसीलिए अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये योजना सीतांजलि ने अपने मित्र के साथ बनाई। और जिस रात को, जिस तारीख को वो जो मृतक है वो घर वापस आया था, पूरे दिन भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। रात में पत्नी द्वारा नशे की गोलियां पूरे परिवार को खाने में दी गई, जिससे कि सभी लोग बेसुध होकर के सो गए। रात के समय पर छत के माध्यम से अपने मित्र और उसके एक और साथी को घर में बुलाया गया, गला घोट करके पति की हत्या की गई और फिर बॉडी ले जा करके पोखरे के किनारे इनके द्वारा प्लांट कर दी गई। इस घटना में सफल अनावरण आज किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी सीतांजलि और उसके मित्र ब्रिजमोहन विश्वकर्मा को अरेस्ट किया गया है। इस घटना को कारित करने में अभिषेक चौहान नामक व्यक्ति, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहते हैं, उसका भी नाम प्रकाश में आया है, उसके लिए टीम लगी हुई है। इस ब्लाइंड मर्डर की जो अनावरण है अल्प अवधि में, इस पूरी टीम ने एसपी नॉर्थ साहब के निर्देशन में सीओ कैंपियरगंज और थाना प्रभारी गीडा और उनकी टीम द्वारा अल्प अवधि में किया गया है, जिसके लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। सर, इसका जो दोस्त है उसको किस तरह से प्रलोभन दिया गया? देखिए, ये जो तीसरा व्यक्ति है वो ब्रिजमोहन विश्वकर्मा का बचपन का दोस्त है, जो कि अक्सर उससे पैसे की डिमांड करता रहता था और ब्रिजमोहन विश्वकर्मा द्वारा उसको पहले भी कई बार पैसे से मदद की गई थी। इसी लालच में उसके द्वारा इसका साथ दिया गया और घटना को कारित किया गया।